नमस्कार। मनोविज्ञान और भगवत गीता के बारे में आज हम समझेंगे। अब जैसा कि आपको विदित है, आपके NTA पेपर में ये नया अध्याय जुड़े हैं, दो नए यूनिट्स जुड़े हैं जिनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो अभी तक हमने पढ़ा है कि जितनी भी वेस्टर्न फिलॉसफीज हैं उसमें मनोविज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। हमने देखा है कि किस तरीके से फ्रॉयड के कॉन्सेप्ट, आपके जंग के कॉन्सेप्ट हम अक्सर पढ़ते हैं मनोविज्ञान में। पर आज जो हम बात करेंगे वो है भारतीय संस्कृति में, भारतीय सभ्यता में किस तरीके से मनोविज्ञान कई वर्षों से कार्यरत है। तो हम बात करते हैं उसी अध्याय की जिसमें हम भगवद गीता के बारे में समझेंगे। अब भगवद गीता के बारे में जब हम बात करते हैं तो उससे पहले हम ये समझते हैं कि भगवद गीता क्या है। भगवद गीता अगर बहुत सिंपल शब्दों में कहा जाए, बहुत ही संक्षिप्त में कहा जाए, तो अर्जुन और भगवान कृष्ण के बीच में एक संवाद है और उस संवाद को वेद व्यास ने बताया था और ऐसा माना जाता है कि भगवान गणेश ने उसको लिखा था। ये संवाद लगभग 18 योग या 18 चैप्टर्स में बटा हुआ है और लगभग 701 श्लोक्स या छोटी कविताएं इसमें सम्मिलित हैं। इसका जो पहला अध्याय है वो अर्जुन के विषाद योग से शुरू होता है, जब वो बहुत ही दुखी है इस चीज़ को लेके कि जंग के मैदान में उसके सामने उसी के रिश्तेदार, उसी के रिलेटिव्स हैं। और दूसरी तरफ जो आखिरी अध्याय है वो है मोक्ष संन्यास योग का, जिसमें निर्वाण की बात कही जाती है। भगवद गीता का पहला शब्द धर्म से शुरू होता है और आखिरी शब्द जो है वो है मम। तो अगर इनको साथ रखा जाए तो मम धर्म, मतलब मेरी जिम्मेदारियां, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मेरी ड्यूटीज क्या है। तो यही एक भगवद गीता का बहुत संक्षिप्त रूप में अगर हम कह सकते हैं तो सार है। महात्मा गांधी ने ऐसा कहा है कि अगर आपको लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आपको जीवन में कोई भी तकलीफ है, तो भगवद गीता में संपूर्ण समाधान उपलब्ध है। जिस तरीके से भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ये समझाया कि वो एक क्षत्रिय है और क्षत्रिय ये नहीं देखता कि सामने कौन है। मान लीजिए कि अगर वो युद्ध के मैदान में गया है और सामने कोई और है तो उसको जरा भी हिचक नहीं होगी अटैक करने में या युद्ध करने में। इसी तरीके से अगर उसके सामने उसके रिलेटिव ही क्यों नहीं है, उसके रिश्तेदार ही क्यों नहीं है, उसको इस चीज़ में बिल्कुल भी झिझक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो एक क्षत्रिय है और उसका काम युद्ध में लड़ना है। तो वो जो मोह या जो अटैचमेंट है उसको हटाना ज़रूरी है। और जो सामने है वो ऐसा माना जा रहा है कि वो ऑलरेडी मृत है, अर्जुन सिर्फ एक निमित्त मात्र है उसको पूर्ण करने में। तो ये चीज़ अगर आप ध्यान में रखोगे तो आप निश्चित तौर पे आगे बढ़ सकते हो। ये शिक्षा भगवान कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के मैदान में दी थी। ये कुल सेशन माना जाता है कि 45 मिनट से एक घंटे तक रहा होगा। और कृष्ण और अर्जुन के बीच का जो संवाद है इसको हम एक पर्सन सेंटर्ड थेरेपी की तरह मान सकते हैं, जो कि रोगर्स का बाद में कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है। पर यहाँ पर मुख्य बिंदु ये है कि अगर आप समुद्र में हैं तो लहरें हमेशा ऊपर नीचे जाएंगी। इसी तरीके से जीवन के मैदान में भी तकलीफें और आसानियाँ आती रहेंगी, पर आपको निरंतर उन पर से निकलते रहना है। तो ये सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए अगर युद्ध के मैदान में अर्जुन की स्थिति समझी जाए तो वो कुछ ऐसी थी कि अर्जुन बहुत ही नर्वस थे, घबराए हुए थे, क्या डिसीजन लें ये समझ नहीं आ रहा था। और तभी वो श्री कृष्ण को याद करते हैं। तो इस पूरी कहानी में व्यक्ति का कॉन्शियस लेवल समझना बहुत ज़रूरी है, जो कि बाद में फ्रॉयड ने अपनी थ्योरी में कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस लेवल और अनकॉन्शियस लेवल की बात की थी। इड ईगो और सुपर ईगो के कॉन्सेप्ट को यहाँ पर समझाने की कोशिश की जा रही है। और ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति अगर अपने आसपास के पर्यावरण से, आसपास की चीज़ों से इंटरैक्ट कर पा रहा है तो निश्चित तौर पे उसमें एक लेवल ऑफ इंटेलेक्ट है या बुद्धि है। और उस इंटेलेक्ट और बुद्धि को किस तरीके से काम में लिया जाए ये भगवद गीता का पहला सार है। अब पहला अध्याय जो कि अर्जुन विषाद योग था उसमें अर्जुन की हालत बहुत ही ख़राब दिखाई गई है। वो बहुत ज़्यादा डरे हुए, नर्वस और गिल्ट कॉन्शियस है कि वो अपने सामने अपने ही भाई बहनों को, अपने ही भाइयों का की मृत्यु के लिए ज़िम्मेदार होंगे। तो इस सिचुएशन में
अर्जुन के हाथ से उनका जो हथियार है, जो गंधिवा है, वो भी गिर जाती है और वो समझ नहीं पाते हैं कि इस मुसीबत को किस तरीके से झेला जाए। उसी समय वो भगवान कृष्ण से बात करते हैं और वो कहते हैं, शिष्यते अहम साधी मम त्वम प्रापनाम, मतलब मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे जो सही है वो समझाइए, मेरी मदद कीजिए। तो ये जो सिचुएशन है, इसमें अर्जुन को हम समझ सकते हैं कि वो एक पेशेंट की तरह है और श्री कृष्ण जो है वो एक काउंसलर की तरह है, एक थेरेपिस्ट की तरह है, और दोनों के बीच में जो संवाद होता है वो पर्सन सेंटर्ड थेरेपी है यहाँ पर। तो किस तरीके से एक एक्यूट सिचुएशन, जो क्राइसिस की सिचुएशन है, उस सिचुएशन में आप क्या सही निर्णय लेंगे, किस तरीके से आप अपने आप को संभालेंगे, और निश्चित तौर पे जब ऐसी एक परिस्थिति आपके सामने है तो एंजाइटी, चिंता, डिप्रेशन, ये सब चीज़ें साथ में रहेंगी। तो इन सब चीज़ों से किस तरीके से निकलना है, तो क्या साइकोलॉजिकल या मनोवैज्ञानिक चीज़ें हो सकती हैं जो आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। पहला है, जो मेथड हम कहते हैं यहाँ पर काम में लिया गया है, वो है कॉग्निटिव अप्रोच या रैशनल इमोटिव थेरेपी। इसका मतलब ये है कि जीवन का सत्य है मृत्यु और जन्म, तो उस सत्य को कोई नकार नहीं सकता। जब वो सत्य सबके सामने है तो आपका उद्देश्य सिर्फ अपने कर्म मार्ग पे बढ़ते रहना है। जब आप अपने कर्म मार्ग पर बढ़ रहे हैं तो आपको ये नहीं देखना है आपके सामने आपके ही भाई है या कोई और है। तो ये कर्म मार्ग या एक्शन जो हम कहते हैं, ये दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ है जिसमें ये कहा गया है कि अकर्म से अच्छा कर्म है, क्योंकि कर्म हमें कुछ सिद्धि की प्राप्ति करवाता है और उससे हमें एक आदर या सम्मान प्राप्त होता है। तीसरी जो बात यहाँ पर कही गई है वो है ह्यूमैनिज्म की या ह्यूमनिस्टिक मॉडल की। ह्यूमनिस्टिक मॉडल में ये समझाया गया है कि जितनी भी ऊर्जा है, जितनी भी शक्ति है, वो हमारे भीतर से आती है। अगर हम अपने आप को बड़ा कर सकते हैं, हम अपने आप को ग्रो कर सकते हैं, तो निश्चित तौर पर हम अपने आसपास की चीज़ों को सही से ढाल सकते हैं। चौथी बात यहाँ पर कही गई है ट्रस्ट या विश्वास की, और ये जो विश्वास है, जो भक्ति है, जो फेथ है, वो सिर्फ एक बहुत बड़ा एलिमेंट है जो आपकी थेरेपी को सक्सेस होने में मददगार साबित करता है। क्योंकि अर्जुन का कृष्ण पे विश्वास था, ये एक थेरेपी थी जो कार्य कर गई। अगर विश्वास नहीं होता तो ये थेरेपी हो सकता है उतनी कारगर नहीं होती। और पांचवा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है गुरु शिष्य परंपरा, जिसको हम गुरुकुल पद्धति भी कहते हैं या पर्सन सेंटर्ड थेरेपी कहते हैं। इसमें हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से नॉलेज, किस तरीके से लॉजिक और जो भी ज्ञान को समझने की ताकत है वो क्यों ज़रूरी है। तो गीता में ऐसा कहा गया है कि व्यक्ति स्वयं के भविष्य का निर्माता है और व्यक्ति अपनी जीवन शैली स्वयं ही चूज करता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ह्यूमनिस्टिक मॉडल पे बहुत ज़्यादा बल दिया गया है, व्यक्ति को स्वयं को जिम्मेदार माना गया है उसकी प्रगति के लिए या उसकी प्रगति नहीं हो रही है उस कारण के लिए। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये ज्ञान योग की तरह रखी गई हैं, और ज्ञान योग में ये कहा गया है कि जब तक आपको पूरे मैदान की, युद्ध के मैदान की का ज्ञान नहीं है, तब तक आपका जो कॉग्निटिव एलिमेंट है वो अधूरा है। तो ज्ञान अर्जित करना सबसे प्राथमिक चीज़ है, क्योंकि अर्जुन को ये ज्ञान था कि उसके सामने उसके ही भाई बहन भाई हैं, तो ही वो इस चीज़ को समझ पाया और तो ही वो इस दुविधा में आ पाया। पर ज्ञान और कॉग्निशन जो है वो आपके एक्सपीरियंस से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। तो ये कुछ प्रमुख चीज़ें थी, कुछ प्रमुख सिद्धांत थे मनोविज्ञान के, जो हम भगवद्गीता से समझने की कोशिश करते हैं। आगे के अध्यायों में हम बुद्धिज़्म, सूफिज़्म और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स लेके आएंगे, और भारत में मनोविज्ञान का किस तरीके से उदय हुआ है, जो आपका नया टॉपिक बना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप वेबसाइट पे, डोरस्टेप ट्यूटर पे और स्टडी मटेरियल में इसको और डिटेल में रेफर कर सकते हैं। जुड़े रहिए चैनल पे, हम और महत्वपूर्ण टॉपिक्स लेके आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।